रजमान, पबजी मोबाइल का नया अपडेट आया है, वर्जन 1, न्यू एरा, सब कुछ नया है। दिल कर रहा है डाउनलोड। मुझे कोई नहीं रोक सकता, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मेरे को कोई नहीं रोक सकता है। आई एम पबजी लवर। मैं करने स्वागत है। आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। डेली टेक न्यूज देने में इतना मजा आता है, इतना फ्रेश फील होता है, साथ में मोटिवेट अलग होता है, क्योंकि टेक न्यूज पर जो आपने प्यार दिया ना, वो दूसरे वीडियो से कंपेयर करो ना, अलग ही चलता है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। बाय द वे दोस्तों, कल मैंने पोल रखा था, आपसे पूछा था कि आप अपने फोन में नेविगेशन बटन, स्वाइप जेस्चर किसका इस्तेमाल करते हैं। तो 160,000 से ज्यादा लोगों ने वोट डाला और काफी कड़ी टक्कर हुई है। नेविगेशन बटन के लिए 49% लोगों ने कहा और स्वाइप जेस्चर के लिए 40% लोगों ने कहा। उसके बाद बहुत सारे और भी ऑप्शन है, लेकिन मेरे पास देखेंगे, जैसे कि मैंने कल कहा, ये देखो मैं नेविगेशन बटन का इस्तेमाल करता हूं। आप फोकस हो जा रहे हैं। वैसे दोस्तों, आज हमने कंपेयर किया रियलमी 7, रेडमी नोट 9 प्रो। अगर आपने नहीं देखा है, जरूर से जाके देखना। कल दोस्तों 2 अनबॉक्सिंग्स होगी, यस। उसके बाद फिर आपको थोड़ी सी लेट टेक न्यूज मिलेगी। गर्मा गर्म टेक न्यूज है दोस्तों, बहुत जबरदस्त टेक न्यूज है। लाइक करिए 40,000 और फटाफट से आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। तो पहली खबर की बात करेंगे, शुरुआत करते हैं LG से। LG, आपको मैंने थोड़े दिन पहले अपने टेक न्यूज में बताया था कि एक एक्सप्लोरर प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिसके अंदर काफी सारे अतरंगी फोन्स लॉन्च करेगा, हां मैं ऐसी बोल सकता हूं। और पहला जो फोन आएगा वो है LG का विंग, जो 14 सितंबर को होने वाला है। ये अभी इंडिया में कभी आएगा उसके बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन फोन थोड़ा डिफरेंट है। मतलब आपको अब इसका लाइव वीडियो निकल कर आ चुका है। नॉर्मली फोन जैसा आप यूज करते वैसा है, लेकिन फिर वो मेन स्क्रीन को आप स्लाइड कर सकते हैं, तो उसके नीचे आपको सेकेंडरी डिस्प्ले दिखाई दे रही है, जो 4 इंच की होगी, और जो मेन डिस्प्ले है वो 6.8 इंच की है। तो इस तरीके का कुछ ऐसा फोन वो लोग लेके आ रहे। जब ऐसा हो जाता है तो ऑब्वियसली विंग की तरह लगता है, तो अलग ही तरीके का कॉन्सेप्ट। और इस तरीके का फोन देखने में तो ठीक लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली कैसा होगा अभी उसके बारे में कुछ नहीं पता है। प्राइस भी लीक हुई है, बताया जा रहा है कि कुछ $900 के आसपास, यानी कि 65,000 के आसपास हो सकता है। LG वाले डुअल डिस्प्ले में बहुत कुछ नया नया करते हैं। अब ये फोन देखते हैं कितना खास निकलता है और इंडिया में आता है कि नहीं आता है। लेकिन इसके बारे में दोस्तों क्या लगता है आपको, देख के कैसा लगा वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों Xiaomi की तरफ से आज बहुत ही इंटरेस्टिंग खबरें आ रही है, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे शायद आपको भी ऐसी होता होगा। एनीवेज दोस्तों, पोको M2 इंडिया के अंदर लॉन्च हो गया है, लेकिन मैं इसको पोको का नया फोन नहीं कहूंगा, मैं Redmi 9 Prime का न्यू 6GB वेरिएंट बोल सकता हूं। ऑलरेडी Redmi 9 Prime के 2 वेरिएंट से 464 जो 10,000 का है, और एक 4128 जो आपको 12,000 का मिलता है। ये आया है 664 11,000 में और एक 6128 12,500 में। जो 12,500 वाला है वो मुझे ठीक लगा, क्योंकि ₹500 ज्यादा देने से आपको 6GB की यहां पर RAM मिलती है। बाकी सब कुछ आपको सेम मिलता है, कोई चेंजेस नहीं है, बस यहां पर पोको लॉन्चर वर्जन 2 मिलता है, जहां पर उन्होंने ऐसा बताया कि आपको एड्स नहीं मिलेगी। मे बी ये एक रीजन होगा जिसके थ्रू आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन बात ये है ना दोस्तों कि यार पहले ही Redmi 9 Prime में लेके आ जाते तो Poco M2 को लाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये ब्रांड इंडिपेंडेंट कैसे हुई, ये रीब्रांड ब्रांड है। मैं ऐसा बोलता हूं। एनीवेज, Poco X3 की बात कर लेते हैं। तो ये Poco F1 के बाद पहला ऐसा फोन है उनका जो थैंकफुली रीब्रांड नहीं है, ऑल टुगेदर एक नया फोन है जो ग्लोबली लॉन्च हो गया दोस्तों, जिसमें 2 वेरिएंट्स है, 664 और 6128, जो यूरोस में अगर मैं प्राइस कन्वर्ट करूं तो 19,000 का बेस वेरिएंट है, और जो हाइयर है वो 20-21,000 के ऊपर चला जाता है। लेकिन स्टार्टिंग की जो प्राइस है उस पर वो लोग डिस्काउंट दे रहे, तो 17-18,000 के आसपास वो आपको बेस वेरिएंट पड़ता है। इंडिया में भी इसकी अनाउंसमेंट हो गई, मनमोहन जी ने ट्वीट करके बता दिया कि इंडिया में भी ये फोन लॉन्च हो जाएगा, और प्राइस भी उन्होंने रिवील कर दी है, बताया कि 20,000 प्लस टैक्सेस। मेरे ख्याल से काफी ज्यादा हो गया, अगर 20,000 के ऊपर चला जाता है तो फायदा नहीं है। अगर आप 17,000 के आसपास इसका जो बेस वेरिएंट 664 लेके आते हैं तो ठीक है, क्योंकि Poco X2 से कंपेयर करते तो कोई मेजर अपग्रेड नहीं है, जहां तक मेरे को ऐसा लगता है। वैसे इंडिया में Xiaomi ने अपने Redmi Band को भी लॉन्च कर दिया है, Redmi Smart Band ऐसे बोलते हैं। 1 इंच के आपको LCD कलर डिस्प्ले मिलती है, आपको वाटरप्रूफ है, 14 दिन की बैटरी लाइफ है, 24/7 हार्ट रेट है, वगैरह वगैरह। और इसकी जो प्राइस है वो ₹1600 की है, तो प्राइस काफी इंटरेस्टिंग है। लेकिन गौर करिएगा, जो चाइना वाला Redmi Band जो था सेम ऐसे ही है, लेकिन उसमें AMOLED डिस्प्ले थी, यहां पर दे दिया LCD। ये खोट कर दिया Xiaomi ने, गलत किया। खैर दो
दोस्तों Xiaomi ने एक नया पेटेंट फाइल कर दिया है जहां पर आपको इस फोन में डुअल पॉपअप यहां पर जो वो कैमरा मिलेगा, दोनों अलग अलग तरीके से बाहर आएंगे, सेपरेटेड होंगे और सामने की तरफ भी दो कैमरे होंगे और पीछे की तरफ भी आपको कैमरा मिलेगा, यानी कि डुअल सेल्फी और पीछे भी कैमरा, तो यानी कि डुअल रियर कैमरा। तो इस तरीके से ये फोन है दोस्तों। अब देख के तो अजीब लग रहा है, थोड़ा डिफरेंट भी लग रहा है, लेकिन अब हमारे हाथ में कभी आएगा इसके बारे में अभी कुछ नहीं पता है। एनीवेज पोको M2, Redmi Band और अपना ये पोको X3, इन सब की अनबॉक्सिंग आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएगी। तो यहां पर दोस्तों Realme की तरफ से खबर आ रही है, बहुत सारे लोग इंडिया में अब Realme के भी फोन्स इस्तेमाल करते हैं और Realme दोस्तों एक चीज से माना जाता है कि काफी सारे अपडेट्स वो लोग पुश करते रहते हैं और अब दोस्तों वो लोग यहां पर Realme का UI 2, यस, और Android 11 भी यहां पर लेके आएंगे। मुझे लगता है वो ColorOS 8 और Android 11 आया ना, तो साथ में उन्होंने अपनी भी अनाउंसमेंट कर दिए। माधव शेट जी ने एक नया पोस्ट डाला जहां पर फोन उन्होंने साइड में रखा ऊपर की तरफ, ये Realme का X50 Pro है जिसमें Realme UI 2 दिख रहा है और Android 11 दिख रहा है। तो मतलब अभी ये आ चुका है और बहुत ही जल्दी मेरे ख्याल से पहले बीटा होगा, फिर धीरे धीरे ऑफिशियली आपको मिलेगा। उसके बाद कौन से फोन्स में आएगा उसकी टाइमलाइन तो अभी उन्होंने शेयर नहीं करी है, लेकिन काफी करीब है Realme UI 2 और Android 11। बाय द वे दोस्तों, आप अगर Realme का फोन यूज करते हैं तो मुझे जरूर से बताना कि आप कौन सा Realme का फोन इस्तेमाल करते हैं, मैं जानना चाहता हूं, वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों इंडिया के अंदर स्मार्टफोन में PUBG खेलने वालों, PUBG फैंस, आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर लेके आ गया हूं और ये सुन के मुझे एक डायलॉग याद आ गया, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है। इतनी शिद्दत से आपने PUBG मोबाइल और PUBG मोबाइल लाइट, आपको बताया हाल ही में इंडिया में बैन हुआ था क्योंकि इंडिया में उसमें Tencent का कनेक्शन था जो एक चाइनीज कंपनी है और यहां से वहां डेटा ना जाए करके हमारी गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी के हिसाब से उसको और बहुत सारे और एप्स को बैन कर दिया था। लेकिन जो PUBG कॉर्पोरेशन है उन्होंने दोस्तों एक बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया और उन्होंने ये बताया कि इंडिया के अंदर जो PUBG आप खेल रहे अपने फोन के अंदर उसका जो कनेक्शन है Tencent से वो हम तोड़ रहे हैं, कोई भी अब Tencent से लेना देना नहीं होगा, सारी जिम्मेदारी हमारी होगी और सब कुछ अब जो वो लोकल होगा। वाह, इसका मतलब ये है कि अगर ऐसा होता है तो ऑब्वियसली आप PUBG का कोई चाइनीज कनेक्शन नहीं होगा और फिर आप अपने फोन में इसको खेल सकेंगे और वो दोबारा वापस आ सकता है। याद रखना है कॉल ऑफ ड्यूटी ने पहले ही ये कर दिया था, बड़ा चालू था, इसलिए उसका कोई लेने देना नहीं था, ना तो वो भी साथ में निकल लेता था। अब बात ये ना कि देखिए PC वाला जो PUBG है वो तो ऐसे चल रहा है, उसमें साउथ कोरियन का है, कोई चाइनीज कनेक्शन नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं है, बस मोबाइल के लिए यहां पर कनेक्शन हुआ था। एग्जाम में पास होने के लिए भी शिद्दत से दुआ कर लेते हैं। तो यहां पर दोस्तों OnePlus की तरफ से खबर आ रही है, OnePlus 8T, ये स्मार्टफोन आएगा जिसकी लीक्स और रूमर्स हमने काफी सुना है और कबाब नाम से इसका कोड ने भी यहां वहां घूम रहा है, लेकिन OnePlus 8T Pro ये यहां पर ऐसा बताया जा रहा है कि कैंसल हो गया और मे भी शायद हमें देखने को नहीं मिले। मैक्स जे ने ट्वीट किया इस पर और इसका कोड नेम डाला है कबाब 2 और क्रॉस मार दिया, इसका मतलब भाई OnePlus 8T Pro शायद कैंसल हो गया और इस बार शायद हमें देखने ही ना मिले, सिर्फ OnePlus 8T मिले। जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि सीरीज जो ना ये आना ही नहीं चाहिए, ये सच में कैंसिल हो जाना चाहिए क्योंकि पहले ही दे देते तो ये टी सीरीज हराज नहीं होते। वैसे आप मुझे कमेंट करके बताना OnePlus के जो टी ऊपर वाले जो वर्जन आते हैं उनके बारे में क्या कहना है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। क्या बताए दोस्तों रतन टाटा जी, ये एक बहुत ही बड़े ट्रेन, क्या आपको बताया कि दोस्तों रतन टाटा जी ये एक ट्रेंड पायलट है, इनके पास खुद का लाइसेंस है और ये पहले ऐसे इंडियन है जिन्होंने F-16 फाल्कन उड़ाया है। जी हाँ, आज की न्यूज़ में खत्म होती है, मेरे करता आपको आज की न्यूज़ पसंद आई लाइक करना, नीचे वाला वीडियो जरूर से जाकर देखना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, एक नए वीडियो के साथ, टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।